डॉक्टर शोभना राधाकृष्ण जी गांधीवादी मंच स्कोप की मुख्य कार्यकारी हैं और उन्होंने लगभग 90 मिनट की इस अभिव्यक्ति में सृजन और संगीत के साथियों को जोड़कर गांधी कथा को जन अभिप्राय से सरोकार स्थापित किया है। उन्होंने इस वर्ष भारत सहित दुनिया के 30 से अधिक देशों में 125 से कहीं ज़्यादा गांधी कथा कही है। गांधी कथा दृश्य एवं काव्य का संवेद प्रस्तुतिकरण है। इसमें डॉक्टर रवि चोपड़ा जी कुछ दुर्लभ दृश्यों के साथ मंच पर स्थापित पर्दे पर कुछ स्मृतियों को शेयर करेंगे जो संभवतः हमारे हमारे श्रोताओं ने हमारे बच्चों ने इससे पहले नहीं देखी होगी। इस प्रस्तुति में गांधी जी के प्रिय भजनों के साथ गांधी कथा तो व गीत श्रीमती स्वाति भगत व उनके साथी दीपक कालरा गाएंगे। इस गांधी कथा में उनका दर्शन विचार आश्रम जीवन दिनचर्या संयम का नैतिक जीवन देश की निस्वार सेवा अपरिग्रह एकादश व्रत रचनात्मक कार्यक्रम और सत्याग्रह की व्याख्या है। कथा की समाप्ति गांधी जी के आशीर्वचन गांधी कथा धूम शुभ मंगल से होगी। उनकी श्रद्धा थी सत्य के प्रति और उनका पुरुषार्थ था अहिंसा का। इस श्रद्धा और पुरुषार्थ सत्य और अहिंसा के जीवन ने ही इस गांधी कथा की प्रेरणा दी है। तो मेरा प्रथम प्रणाम परमात्मा को जिनकी कृपा से मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ पहली बार इस पुण्य भूमि कुमार गंधर्व जी की साधना स्थली में आने का मौका मिला। कुमार जी हमारे घर में ठहरते थे दिल्ली में विदुषी वसुंधरा कोमकली और कलापिनी जी जो बहुत छोटी थी उस समय गांधी शांति प्रतिष्ठान में ठहरते थे उनका यहाँ ना होना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ और हर सुबह प्रार्थना योम तत् प्रविश्य वाचाम इमाम प्रसुप्तम संजीव यत्य अखिल शक्ति धरस्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तश्चरण श्रवणत्वगादी प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो तू अपनी तेज से मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगाता है जो मेरे हाथ पैर कान नाक त्वचा आदि अवयवों को सजीवन करता है ऐसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तुझे नमस्कार करती हूँ। और मेरा दूसरा प्रणाम महात्मा को जिनका जीवन हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला देता है जिनकी श्रद्धा और पुरुषार्थ हम सबके लिए हर युग में हर समय हर जगह एक आदर्श बन के खड़ा हो जाता है। और मेरा तीसरा प्रणाम लोकात्मा को यानी कि आप सबको जिनकी आंखें मुझे ताकत देती हैं हर किसी परिस्थिति में भी सकारात्मक रहना पॉजिटिव रहना
ये एक गांधी जी की बहुत बड़ी लाक्षणिकता थी और गांधी कथा में मैं बहुत सारी लाक्षणिकताओं के बारे में बोलूंगी, जिसका कि अगर आप अपने आचरण में लाएंगे तो आपके निजी जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में बदलाव आ जाएगा। मुझे लगता है कि देश की वर्तमान परिस्थिति में, जिस दौर से देश गुजर रहा है अभी, उसमें हम सब सामान्य जन अगर पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, सद्भावना रखें, दया और करुणा रखें, एक दूसरे के दुख को अपना दुख माने, साथ दें और सकारात्मकता से रहें, तभी हम परिस्थितियों को झेलने में सक्षम होंगे और परिस्थिति को कल्याणकारी दिशा में ले जा पाएंगे। गांधी जी के लिए ये तो बहुत ही सामान्य गुण था। उनकी सारी लाक्षणिकता का मूल उनकी सत्य निष्ठा थी। शायद उनके शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत उनकी ईश्वर में आस्था थी, श्रद्धा थी। उसी श्रद्धा ने उनको समझा दिया कि वे केवल ईश्वर के हाथ के इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं, कठपुतली मात्र हैं। ईश्वर जहाँ चाहे उनको ले जा सकता है। उनके आगे जो रास्ता मौजूद था सत्य पथ का, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के हजारों हजारों युग के पहले से भी महान महापुरुष, संत, ऋषि, ज्ञानी, टीचर्स, पीर, फकीर सब चलते जा रहे हैं उस सत्य पथ पे। वो सत्य पथ उनके लिए मौजूद था, जिस भी मेजर्स में या फॉर्म्स में मौजूद था वो वाला सत्य पथ था। और दूसरी बात ये समझ में आई कि उनको निरंतर अपने अंदर झांकना पड़ेगा आत्मनिरीक्षण के द्वारा, ताकि वो अपने को इंस्पायर कर सके। क्योंकि जैसे स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वो जो गोल की तरफ यात्रा है, निरंतर जाने की एक प्रवृत्ति है, वो तो खुद को इंस्पायर करके ही जा सकते हैं। कोई किसी को इंस्पायर नहीं कर सकता जब तक व्यक्ति खुद को ही ना इंस्पायर करे। तो गांधी जी की दूसरी लाक्षणिकता थी निरंतर इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मशोधन के द्वारा रोज रोज नित्य परिवर्तनशील व्यक्तित्व उनका था, नित्य विकासशील व्यक्तित्व उनका था। अगर हम भी रोज रोज कुछ सीखना चाहें, और खासकर गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, आप और हमारे जैसे गांधी जी एक साधारण इंसान थे, तो साधारण इंसान तो गलतियां ही करता है, लेकिन अपनी गलती को पहचान पाना बहुत बड़ी चीज है। और वो बात गांधी जी में थी कि अपनी गलती को पहचान पाते थे। साधारण सामान्य जन जब तक कोई शीशा नहीं दिखा दे कि भाई तुम गलती कर रहे हो, तब तक अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं होते। जितनी जल्दी हो सके वो उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं था। न केवल वे आइडेंटिफाई कर सकते थे अपनी गलती को, लेकिन उसके बाद उसको पब्लिकली अनाउंस करते थे कि मुझसे हिमालयन ब्लंडर हो गया, और जो साहसी व्यक्ति है वही कह सकता है, क्योंकि ये एक बहुत करेजियस व्यक्ति का ही काम है कि अपनी गलती को पब्लिकली स्वीकार करे। वहीं पर रास्ता खुलता नहीं था गांधी का। स्वीकार करने के बाद तीव्र वेदना का की अनुभूति, और फिर पश्चाताप, और पश्चाताप के बाद फिर उसी गलती को न दोहराने का संकल्प, और फिर संकल्प लेने के बाद नहीं रुक जाती थी उनकी बातें। शायद हम सामान्य जन उस उतने हद तक पहुंच जाए, लेकिन गांधी जी का जो डिफरेंस था, या आपको अगर समझा दूं, गांधीगिरी थी तो वो ये थी,
कि एक बार की हुई गलती को फिर वो कभी नहीं उन्होंने किया। बहुत बड़ी लाक्षणिकता, अपनी गलतियों से सीखना, ये उनकी तीसरी लाक्षणिकता थी। और यही कारण था कि उनका व्यक्तित्व नित्य विकासशील व्यक्तित्व था। उन्होंने सत्य को ही परमेश्वर कहा, सत्य ही परमेश्वर है उनका कहना था। अगर ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है तो सत्य भी सर्वत्र विद्यमान है। इसका मतलब हुआ कि हम सब में, और जो छोटे छोटे बड़े बड़े स्टूडेंट से लेकर बुजुर्ग तक आए हैं, सब में ईश्वर का अंश है, सत्य का अंश है। इसका मतलब है कि हम सब जिस पर्पस से इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है, दूसरों की भलाई करने का पर्पस है, और उस वो चीज हम लोग सब कर सकते हैं। सिर्फ आत्मज्ञान की आवश्यकता है, हृदय मंथन की प्रोसेस से गुजरने की आवश्यकता है कि हम कौन है। एक प्रश्न पूछा, गांधी ने भी पूछा था, और ये प्रश्न हमारी भारतीय संस्कृति में पिछले 5000 सालों से पूछा जा रहा है। प्रश्न है, ओ अहम, मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का। गांधी जी को 18 साल की उम्र से ही जवाब मिलना शुरू हो गया था, बहुत जल्दी। लेकिन हमारे देश में साधारण से साधारण जन से लेके ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको ये सवाल पूछना चाहिए, सेल्फ करेक्शन करना चाहिए। हम सब पूरे विश्व भर में गांधी के देशवासी के नाम से जाने जाते हैं, तो हमें गांधी जी का आचरण भी तो अपनाना होगा। इसलिए वे सबसे एकात्मकता का अनुभव करते थे, समान भावना, समत्व भावना, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता आसानी से, पर मोहनदास करमचंद गांधी को बहुत आसानी से समझ में आ गया कि जो आत्मा मेरे में है वही आत्मा दूसरे में भी है। ये आत्मा की एकात्मकता और परमात्मा से जुड़ा हुआ तार हम सबको एक ही मनुष्य जाति का बनाता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। और इसी भावना से, एकात्मकता की भावना की वजह से, गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं था, किसी से उनको वैर नहीं था, किसी से बदला नहीं देना था, किसी से कोई स्कोर सेटल नहीं करना था। उन्हें तो केवल ही केवल अपना काम करना था। न त्वहं कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे पोजीशन चाहिए, न मुझे सिंहासन चाहिए, न मुझे पदवी या मान सम्मान चाहिए। मैं तो केवल और केवल दुख से पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना चाहता हूँ। उनका स्वधर्म सेवा वृत्ति थी। जब हम पैदा होते हैं, हमारे सब के पास स्वधर्म होता है। हमारे से पहले हमारे माँ बाप पैदा हुए होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारा नेबरहुड होता है, समाज है, देश है, और ये वसुंधरा है, पृथ्वी माता, मदर अर्थ। तो हमारा स्वधर्म तो बहुत क्लियर है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है, हमें अपने रिश्तेदारों की सेवा करनी है, हमें नेबर्स की, समाज की, देश की और प्लैनेट अर्थ की ग्लोबली सेवा करनी है। ये तो बहुत क्लियर है, लेकिन हम इसके अलावा, हम सब में और भी एक इनर टैलेंट रहता है, उसको पहचान के उसको बढ़ाना भी बहुत बड़ी स्वधर्म की ही चीज़ है। और महात्मा गांधी का स्वधर्म था सेवा वृत्ति, जो बचपन से ही प्रकट हो गई थी। शायद छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो आए हैं, थोड़े बड़े भी आए हैं, तो ये समझ लो कि श्रवण
पितृभक्ति का जब उन्होंने नाटक पढ़ा तभी से ठान लिया बचपन में ही 5-6 साल की उम्र होगी कि मैं माँ बाप की सेवा करूँगा, पिताजी की सेवा करूँगा। और स्कूल से आके सीधा पिताजी की सेवा में रहते थे और उसके बाद अपने घर वालों की सेवा, अपने रिश्तेदारों की, समाज की और पूरे विश्व की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया इस महामानव ने, जो कि विश्व उनका कुटुंब बन गया था धीरे धीरे। ऐसे गांधी जी को अगर समझना है तो गांधी जी माने सत्याग्रह, इतना ही समझे तो हम उन्हें अधूरा समझेंगे। उनको होलिस्टिकली समझना होगा, समग्रता से समझना होगा। खंडांश अगर हम देखेंगे तो हम उन्हें अधूरा और विकृत ही समझेंगे। अगर हम गांधी जी के दर्शन को नहीं समझे, उनकी आध्यात्मिकता को नहीं जाने, उनके सत्य पथ पर निरंतर चलने का जो प्रयास था उसको ना देखें, उनकी साधना को ना देखें, उनका उनके विभिन्न कार्य जैसे उनका जुझारूपना, असत्य और अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध, उनके इकोनॉमिक्स पर उनके विचार, गांधीयन इकोनॉमिक्स, ट्रस्टीशिप, उनका रचनात्मक कार्यक्रम, उनका नेचर क्योर पर जोर, उनके डाइटेटिक्स का प्रयोग, उनका वेलनेस गुरु के जैसा एक बहुत बड़ा योगदान, उनके 31 बार सोशल कॉज के लिए किए हुए उपवास, उनका कारावास का जीवन, उनकी एक्टिविज्म और उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, आपसी मतभेद या लड़ाई रिजॉल्व करने के लिए इंटरफेथ डायलॉग या सद्भावना से काम ले, इंटरफेथ। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे हर तरह के रिलीजन को मानने वाले, उनके साथ सद्भावना के साथ व्यवहार करना। Shiva Sundarika Sumadhi Nirvana Satya Shiva Sundarika